10 दिन भी नहीं हुए, एक और हत्या। वही ग्रामोफोन पिन मिस्ट्री। सुनो, मशहूर व्यापारी कैलाश चंद्र मलिक शाम को अपनी गाड़ी से उतरकर मैदान में घूमने उतरे। कुछ दूर जाते ही ओ आवाज करके जमीन पर गिर पड़े। उनका ड्राइवर और रास्ते चलते लोगों ने उन्हें उठाकर गाड़ी में लिटा दिया, लेकिन तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक एक ग्रामोफोन पिन उनके दिल में अटका हुआ था, इसी पिन से उनकी मृत्यु हुई है। अरे पापा। कैलाश बाबू निष्ठावान पुरुष थे, उनकी किसी से कोई शत्रुता नहीं थी। उनकी पत्नी का देहांत हो चुका है, उनके कोई पुत्र संतान नहीं है, एकमात्र पुत्री ही उनकी संपत्ति की वारिस है। पुलिस छानबीन कर रही है, कैलाश बाबू के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। ये यहां हो क्या रहा है? ये शायद पांचवा खून है। अरे पुटीराम, एक कैंची लाना। लगता है हत्यारों के किसी गिरोह ने कलकत्ता पे दावा बोल दिया है। ये किसी गिरोह विरोह का काम नहीं है, ये तो किसी एक आदमी का काम है। एक आदमी हो या गिरोह, लेकिन इस तरह दिन दहाड़े खून होते जा रहे हैं और आज तक कोई पकड़ा नहीं गया। तुम तो शुरू से ग्रामोफोन पिन के मामले से उलझे हुए हो, तुम्हें क्या लगता है? सब हत्याएं रास्ते पर हुई है, फुटपाथ पर नहीं। और जाहिर है कि रास्ते की भीड़ भाड़ में हत्यारे का बच निकलना आसान है। और सब हत्याएं ग्रामोफोन पिन से हुई है। ऐसा लगता है कि इस औजार का इस्तेमाल रास्ते पर ही हो सकता है, किसी जंगल या सुनसान जगह में नहीं। लेकिन एक बात और गौर करने की है, कुछ महीनों से अखबारों में एक मजेदार इश्तिहार छप रहा है, कभी पढ़ा है? मैं इश्तिहार नहीं पढ़ता। इश्तिहार नहीं पढ़ते तो फिर क्या पढ़ते हो? अरे भाई, अखबार में जो सब लोग पढ़ते हैं वही मैं भी पढ़ता हूँ। खबरें अखबार में, अगर मजेदार खबरें जानना चाहते हो तो हमेशा इश्तिहार पढ़ो। फिर तो अखबार वाले बड़े बेवकूफ हैं, सिर्फ इश्तिहार में छाप कर दुनिया भर की खबरें छापते रहते हैं। उनकी कोई गलती नहीं है, तुम्हारे जैसे पाठकों के मनोरंजन के लिए खबरें छापनी पड़ती हैं, नहीं तो अखबार बिकेगा कैसे? चलो आज से इश्तिहार भी पढ़ लूंगा, लेकिन वो मजेदार इश्तिहार है क्या? यहाँ पढ़ो, इसमें कहाँ खोलो, ऊपर देखो, बाई तरफ निशान लगा कर रखा है, सुनाओ जरा पढ़कर। रास्ते का कांटा, यही ना? अगर आप अपने रास्ते का कांटा हटाना चाहते हैं तो शनिवार को शाम 5:30 बजे व्हाइट वे लेडलो की दुकान के सामने लैंप पोस्ट को पकड़ कर खड़े रहिए। समझ में नहीं आया ना, एक बार और पढ़ो, पढ़ो पढ़ो। अगर आप अपने रास्ते का कांटा हटाना चाहते हैं तो शनिवार को शाम 5:30 बजे व्हाइट वे लेडलो की दुकान के सामने लैंप पोस्ट को पकड़ कर खड़े रहिए। क्या लैंप पोस्ट को पकड़कर खड़े रहने से रास्ते का कांटा हट जाएगा? ये इश्तिहार पिछले 3 महीनों से हर शुक्रवार को आ रहा है और पिछले 3 महीनों से ही ग्रामोफोन पिन की हत्याएं हो रही हैं। तुम क्या समझते हो, ये दोनों घटनाएं जुड़ी हुई? समझने की बात है, जिसने इश्तिहार दिया है वो आम जनता से कह रहा है कि ए भाई, अगर आप अपने रास्ते के कांटे को हटाना चाहते हो तो फलाए फलाए जगह ऐसे खड़े रहो जिससे कि मैं तुम्हें पहचान लूं लेकिन तुम्हें मेरा कुछ पता ना चले। मतलब कि रास्ते की भीड़ भाड़ में 5:30 बजे तुम लैंप पोस्ट पकड़े खड़े रहो, कुछ देर बाद बेवकूफों की तरह खड़े रहकर तुम्हें लगेगा ये सब क्या बकवास है, तुम झक मार कर चले जाओगे, फिर जेब में हाथ डालोगे, देखोगे कि किसी ने तुम्हारी जेब में चिट्ठी डाल दी है। फिर क्या, शिकारी ने शिकार ढूंढ लिया लेकिन शिकार को यह नहीं मालूम कि शिकारी कौन है। अरे ठोस सबूत कहाँ है? कानून में एक शब्द है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। सबूतों पर कभी यकीन न भी हो लेकिन ठोस प्रमाणों से दिया गया अनुमान कभी गलत नहीं हो सकता। देखो कोई आ रहा है और मेरा अनुमान है कि जो आ रहा है वो अधेड़ उम्र का गोल मटोल मोटा सा आदमी होगा, उसके हाथों में एक छड़ी जैसी चीज होगी
और वो यकीनन हम ही से मिलने आ रहा है, क्योंकि तीसरी मंजिल पर तो हम ही रहते हैं ना। अरे अंदर आ जाइए, दरवाजा खुला है। कैसा रहा अनुमान? डिटेक्टिव ब्योमकेश बाबू हैं? मेरा नाम ब्योमकेश बख्शी है, लेकिन आप मुझे डिटेक्टिव ना कहें तो अच्छा होगा। मैं सत्यन्वेषी हूं, सत्य की खोज करने वाला। खैर, आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं, थोड़ा आराम कीजिए, फिर सुनाइए अपने ग्रैमोफोन पिन की घटना। आपको कैसे पता चला कि मैं ग्रामोफोन पिन के बारे में आपसे मिलने आया हूं? जी, मेरा अनुमान है, नंबर एक, आप अधेड़ उम्र के हैं, नंबर दो, आप खाते पीते धनी व्यक्ति हैं, नंबर तीन, आप बहुत परेशान हैं, और चार, आप मेरी मदद लेने आए हैं, इसलिए बैठिए। आपका नाम सुन के चला आया, लगता है अच्छा ही किया। आते ही आपने अपनी सूझबूझ का नमूना दिया, इसलिए मुझे लगता है कि आप ही मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इन दहाड़े पांच पांच हत्याएं और हत्यारे का अब तक पता नहीं चला। ब्योमकेश बाबू, मैं तो बाल बाल बच गया वरना। आप घबराइए मत, शुरू से साफ साफ कहिए, गैर जरूरी समझकर कुछ छोड़िए नहीं, मेरे लिए कुछ भी गैर जरूरी नहीं है। मेरा नाम आशुतोष मित्र है, पूरी जिंदगी कलकत्ते में कटी, 18 वर्ष की उम्र से धंधे में उलझा हुआ हूँ, शादीवादी करने का मौका ही नहीं लगा, सच पूछो तो इच्छा ही नहीं हुई, मुझे अकेला रहना अच्छा लगता है। आपके कोई रिश्तेदार या निकट संबंधी है? नहीं, कोई नहीं, ना मैं किसी के यहाँ जाता हूँ, ना कोई मेरे पास आता है। हाँ, एक बिगड़ा हुआ भतीजा है, शराब में धुत, कभी कभी रुपयों के लिए तंग करता रहता है, पर अब मैं उसे घर में ही नहीं घुसने देता। कहाँ रहता है? फिलहाल जेल में है, दंगा फसाद करने के जुर्म में 2 साल की जेल भुगत रहा है। कहते रहिए। भवानीपुर में हमारी एक संगीत महफिल है, वहाँ रोज शाम को मैं जाता हूँ, कल भी गया था, रात को 9 बजे मैं लौट रहा था पैदल ही। सड़क पर काफ़ी भीड़ भाड़ थी, मैं कुछ देर फुटपाथ पर खड़ा रहा, फिर मौका देखकर सड़क पार करने लगा, तब मुझे लगा कि किसी ने एक जोरदार घुसा मेरे सीने पर मारा। किसी तरह गिरता पड़ता मैं सड़क तो पार कर गया। मेरे कोट के सीने के जेब में हमेशा एक घड़ी रहती है, मैंने घड़ी निकाल कर देखी, वो चकनाचूर हो गई थी, और उस घड़ी में ग्रामोफोन पिन अटकी पड़ी हुई थी। ये रही वो घड़ी। फिर मैं किस तरह घर पहुंचा वो तो मैं ही जानता हूं। अगर कोट की जेब में ये घड़ी ना होती तो इस वक्त तो मैं किसी अस्पताल के मुर्दा घर में पड़ा होता। आप बेफिक्र रहिए, अब आपको कोई डर नहीं है, लेकिन भविष्य में जैसे मैं कहूं वैसे कीजिएगा, फिर आपकी जान को कोई खतरा नहीं। आप मुझे इस परेशानी से बचा लीजिए ब्योमकेश बाबू, मैं आपको जितने चाहिए रुपए दूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा, कल रात जब आपके सीने में धक्का सा लगा, तब आपने किसी तरह की कोई आवाज सुनी? आवाज? कैसी आवाज? टायर फटने की या गोली चलने की? नहीं। कोई और आवाज? मुझे तो कुछ याद कीजिए, जरा सोचिए। सड़क पर जो आम आवाजें होती है, ट्राम गाड़ी की, घोड़ा गाड़ी की, साइकिल की घंटी की, ऐसी आवाज सुनी थी? कोई खास आवाज नहीं सुनी? नहीं। आपका कोई रिश्तेदार या दुश्मन है जो कि चाहता हो कि आप इस दुनिया में न रहें? कम से कम मेरी जानकारी में तो ऐसा कोई नहीं है। आपकी शादी नहीं हुई है, आप बाल बच्चे वाले भी नहीं हैं, आपका वारिस क्या, आपका भतीजा है? जी नहीं। आपने अपना वसीयतनामा तो बनाया ही होगा?
जी हाँ बनाया है। उसमें आपकी संपत्ति का वारिस कौन है? आप और जो कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, पर यह प्रश्न मत कीजिए, यह मेरा निजी मामला है। ठीक है, जाने दीजिए। आपका वारिस जो भी हो आपकी वसीयत के बारे में जानता है? जी नहीं, मुझे और मेरे वकील के अलावा किसी को मालूम नहीं। आपका वकील कौन है? विलास मलिक, आप जानते हैं? नहीं, कितने वकील हैं? आपके वारिस से आपकी मुलाकात होती है? जी हाँ। आपका भतीजा जेल में कितने दिनों से है? यही करीबन 3 हफ्ते से। अच्छा, आज के लिए इतना ही काफी है। आप अपना पता और ये घड़ी यहां छोड़ दीजिए, अगर जरूरत पड़ी तो आपको खबर कर दूंगा। लेकिन मेरा क्या होगा अगर फिर से कोई हमला हुआ तो? अब मैं नहीं बचने वाला। आप अपने घर में ही रहिए, कहीं निकलिएगा नहीं। लेकिन घर में तो मैं अकेला ही रहता हूं, और फिर घर में ही कहीं? नहीं नहीं, घर के अंदर आपको कोई डर नहीं है, वहां आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। अगर आप चाहें तो एक चौकीदार रख सकते हैं। तो क्या मैं घर से बिल्कुल नहीं निकल सकता? निकलना निहायत जरूरी हो तो फुटपाथ पर ही चलिए, गलती से भी सड़क पर नहीं चलना। फिलहाल मैं तो कहूंगा कि आप कुछ दिनों तक बाहर निकले ही मत। ठीक है, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा। नमस्कार। नमस्कार। मैं जरा बाहर चक्कर लगाकर आता हूं, अगर मुझे देर हो गई तो खा पी लेना। ठीक। अरे ये संभाल कर रख लो जरा। एक मिनट विलास बाबू, अभी आए। मुझे विलास बाबू ने भेजा है, वो आज नहीं आएंगे। आपको कुछ कहना है? आपको विलास बाबू ने भेजा है? जी। कह देना आशुतोष बाबू 4-5 दिन नहीं आएंगे, वो कभी भी आ सकते हैं। जी बहुत अच्छा, और कुछ? जी नहीं बस। अच्छा,
अच्छा एक बात बताओ। क्या? ये आशुतोष बाबू तुम्हें कैसे आदमी लगे? अच्छे ही लगे, सीधे साधे। और उनका चरित्र? भाई जिस तरह से अपने पियक्कड़ भतीजे पे खफा है, उससे तो लगता है कि चाल चलन अच्छा ही है। अभी तक शादी नहीं की है, अब 50 साल के हो गए हैं, अब क्या बिगड़ेंगे। यही तो उम्र है बिगड़ने की। हजरत किसी औरत से उलझे हुए। क्या? भवानीपुर की संगीत महफिल ही उस औरत का घर है। एक और बात ध्यान रखने की है। क्या? एक मामूली सा दो रत्ती का पिन, किस ताकत से उस पिन को छोड़ा जाता होगा जो सीधे शिकारी के सीने में घुसकर उसका दिल चीरते। इस गुत्थी का जरूर कोई हल है, लेकिन इस वक्त पकड़ में नहीं आ रहा। जितना उसे पकड़ने की कोशिश करता हूं, उतना ही हाथ से फिसलता जा रहा है। खैर, कभी तो मुर्गी टीले पर आएगी। चलो, कल शनिवार है। हाँ। अखबार में इश्तिहार देने वाले और रास्ते का कांटा दूर करने वाले से मिलते हैं। सीधे खड़े रहो। ये सब नाटक की क्या जरूरत है? तुम मेरे साथी हो, तुम्हें सब जानते हैं, इसीलिए तुम्हारा खुलिया बदलना जरूरी है। अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो? अरे कैसे पकड़ेगी। हाँ, तुम चाहो तो नीचे जाकर इम्तिहान ले लो, देखे कौन पहचानता है। किसी से पूछना अजीत बाबू कहाँ रहते हैं। रास्ते का कांटा वाला आएगा ना? हाँ, आना तो चाहिए। लेंगे बाबू। नहीं नहीं, चिट्ठी मिल गई, अब सीधा खड़े जाओ। हा? पहले बहु बाजार जाना ट्रैम से, वहां से फिर हावड़ा जाना, हावड़ा से फिर एक टैक्सी पकड़ कर सीधा घर पहुंच जाओ। अरे कब आ गए साहब? बस 20 मिनट हुए। मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? अजीत कुछ बात बनी नहीं, बस 1 मिनट की देर हो गई। कैसे? तुम जब लैंप पोस्ट पकड़े खड़े थे, तब मैं सामने की दुकान में था। तुम जिस तरह नर्वस होकर बार बार जेब टटोल रहे थे, घड़ी देख रहे थे, उससे शायद लगता है कि चिट्ठी देने वाले को शक हो गया। अच्छा, इसीलिए उसने तुम्हें चिट्ठी नहीं दी। फिर वो तुम्हें चिट्ठी देकर फौरन गायब हो गया। तुम उल्लू की तरह चिट्ठी लिए बंगले झांकने लगे। अच्छा, आदमी देखने में कैसा था, कुछ गौर किया? उसने लुंगी बनियान पहन रखी थी, थोड़ी सी दाढ़ी आई हुई थी और यहां पर एक बड़ा समस्या था। जरूर नकली भेस होगा, ये बिल्कुल तुम्हारी दाढ़ी की तरह। अच्छा लाओ चिट्ठी तो दो। हाँ, ये। और जाओ वापस अजीत बनकर आ जाओ। सुनो सुनो। हाँ। ये क्या लिखा है?
आपके रास्ते का कांटा कौन है, उसका नाम और पता क्या है, और आप क्या चाहते हैं? साफ साफ खुलासा लिख कर दीजिए, कुछ भी छुपाइए मत। अपना नाम बताने की जरूरत नहीं। ये चिट्ठी एक लिफाफे में डालकर अगले इतवार 10 मार्च को रात 11:50 पर खिदिरपुर रेसकोर्स के पास के रास्ते से पश्चिम की तरफ जाइए। एक आदमी आंखों पर मोटा गॉगल्स पहने साइकिल पर आपके सामने से आएगा। इसे देखते ही आप चिट्ठी वाला हाथ साइकिल की तरफ बढ़ाकर रखिए। साइकिल वाला आपके हाथ से चिट्ठी लेकर चला जाए। आप भी अपने घर चले जाइए। अच्छा, बाद में फिर आपको हम बताएंगे क्या करना है। पैदल अकेले आइए, कोई साथ होगा तो साइकिल वाले से मुलाकात नहीं होगी। ये देखो, आशुतोष बाबू आ रहे हैं। ये सब बातें उन्हें कहने की कोई जरूरत नहीं। पुटीराम, आइए आइए। आशुतोष बाबू, क्या बात है? एक बुरी खबर है, वही बताने इस वक्त यहां आया हूं। मेरा वकील विलास मलिक भाग गया। वो भागेगा, ये तो मैं जानता था। साथ आपकी भवानीपुर की संगीत महफिल भी गायब। आपकी वसीयत के सिलसिले में ही दोनों की मुलाकात हुई थी, फिर जो होता है वही हुआ, दोनों भाग गए। लेकिन जो हुआ सो अच्छा ही हुआ। उस दुष्चरित्र स्त्री और कपटी दोस्त के षड्यंत्र से आपको छुट्टी तो मिली। खैर, अब आपकी जान को कोई खतरा नहीं। अगर आप चाहें तो रास्ते के बीच में भी बेफिक्री से चल सकते हैं। मतलब उन दोनों ने मिलकर आपको मार डालने की साजिश की थी, अपने हाथों से नहीं। इसी कलकत्ते शहर में एक आदमी है जिसे कोई नहीं पहचानता, उसे किसी ने देखा भी नहीं, लेकिन जिसके निष्ठुर हथियार ने 5-5 लोगों की जान ली। आप भी जाने वाले हैं, लेकिन आपकी लंबी उम्र है इसलिए बच गए। 38 साल तक मैं निष्पाप रहा, फिर मेरे पैर फिसले। देवघर में मैंने इस लड़की को देखा, मैं मुक्त हो गया। बाद में मुझे पता चला कि वो एक वेश्या की लड़की थी। शादी तो कर नहीं पाया, लेकिन उसे छोड़ भी नहीं पाया, इसलिए कलकत्ता में एक मकान लेकर उसे दिया। 12 साल तक वो मेरे साथ पत्नी की तरह रही। मैंने उसे अपनी सारी संपत्ति का वारिस बना दिया। मेरी धारणा थी कि वो भी मुझे पति जैसा समझती है, लेकिन अच्छा सबक मिला मुझे इस बुढ़ापे में। क्या खबरें हैं? इश्तार फिर निकला है? नहीं, कोई आ रहा है। पुटीराम, पुटीराम, लेकिन आपके पास बीमा के लिए नहीं आया। आजकल तो जहां भी जाता हूँ बीमा के नाम से लोग बाग दरवाजा बंद कर देते हैं। क्या आप ही ब्योमकेश बख्शी हैं, मशहूर डिटेक्टिव? आपसे कुछ प्राइवेट सलाह लेनी थी। सलाह के लिए पहले आपको नगद पेशकी देनी पड़ेगी। जरूर। वो मुझे मालूम है। ये लीजिए। वैसे मेरी बात कोई खास सीक्रेट नहीं है, लेकिन फिर भी ये मेरे मित्र और सहायक है, आपको जो कुछ कहना है इनके सामने कहिएगा। अच्छा अच्छा, तो आप ही अजीत बाबू हैं? नमस्कार। कितने भाग्यवान हैं आप, इतने बड़े डिटेक्टिव के साथ रहकर कितने विचित्र अपराध और घटनाओं से जुड़ा रहना पड़ता है।
बड़े सौभाग्यशाली हैं आप। कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि बीमे का सूखा धंधा छोड़कर आपके जैसी जिंदगी बसर करूँ, लेकिन अब आप क्या सलाह चाहते हैं वो बताएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ जरूर। पिछले साल मैंने 10-12 लाख का धंधा किया। मेरी कंपनी ने खुश होकर मुझे कलकत्ते के ऑफिस का इंचार्ज बना दिया। काम भी ठीक चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक मुसीबत खड़ी हो गई है। एक दूसरी कंपनी का एजेंट मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अब मैं तो सिर्फ बड़ी बड़ी पार्टियों को संभालता हूँ, ये दूसरी कंपनी का जो एजेंट है ये जाकर मेरे क्लाइंट को भड़का रहा है। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ मेरी कंपनी की बुराई करता है। उन्हें कम प्रीमियम का लालच देकर मेरा धंधा चौपट कर दिया है। कई पार्टियाँ तो हाथ से निकल भी गई हैं। अब हमारी कंपनी परेशान है, उस पर दबाव डाल रही है। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 2-3 महीने निकल गए, इस आदमी से छुटकारा कैसे मिलेगा, बस इसी उधेड़बुन में हूँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए आप, ये देखिए आप, 2 हफ्ता पहले इस स्टार पर नजर पड़ी, आपने शायद गौर नहीं किया होगा। और करने की कोई बात भी नहीं है, लेकिन ये इश्तेहार पढ़ते ही मेरी तो वहां से खिल गई। मैंने सोचा अपने रास्ते के कांटे से छुटकारा पाने का यह सही मौका है। सो पिछले शनिवार के पहले शनिवार को जहां बताया था वहां मैं कृष्ण कन्हैया जैसा लैंप पोस्ट पकड़ के खड़ा रहा। बड़ी देर तक खड़ा रहा, पैर सूज गए, हाथ में दर्द होने लगा, कहीं कुछ नहीं। मायूस होकर जब वहां से चल दिया तो यकायक देखा मेरे जेब में ये चिट्ठी पड़ी हुई है। देखिए साहब, ये सोमवार को 11:50 को मिलने के लिए बोला है। देखिए, कल ही तो सोमवार है, आप कल जा रहे हैं। पहले तो ताजुब की बात यह है कि ये चिट्ठी मेरे जेब में आई कैसे। ये चिट्ठी पढ़ते ही मैं तो डर गया। क्या कौन आदमी है, कहाँ रहता है, क्या है, और आधी रात को अकेले क्यों बुला रहा है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे आप एक बात बताइए कि मेरी जगह आप होते तो क्या करते। मैं तो पहले ये क्या करते वो जानना इतना जरूरी नहीं है। आप क्या सलाह चाहते हैं ये बताइए। ये चिट्ठी लिखने वाले को मैं पहचानता तक नहीं, और इसलिए चिट्ठी में जो लिखा है वो पढ़कर लिखने वाले पर शक होता है। कहीं ये आदमी कुछ गड़बड़ तो नहीं करेगा। चिट्ठी का जवाब लेकर उससे मिलना क्या ठीक होगा। ये गए 7-8 दिन से मैं इसी उधेड़बुन में हूँ, लेकिन अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुँचा। अब सिर्फ एक ही दिन बाकी है, सोचा आपसे सलाह ले लूँ। देखिए आज कुछ कह नहीं सकता, आप ये दोनों कागज यहां रख जाइए, अभी वक्त है, कल सुबह आइएगा। कल सुबह तो नहीं आ पाऊंगा, कहीं बबाहर जाना है। आज नहीं बता सकते, 7 बजे 8 बजे या बाद में भी रात को। नहीं, आज रात मुझे कहीं जाना है। परेशान मत होइए, कल सुबह नहीं आ सकते तो शाम को आ जाइएगा, 4 बजे 5 बजे, मैं घर पर ही रहूंगा। ये ठीक है, लीजिए आप लेंगे। नहीं नहीं धन्यवाद, आप लेंगे। नहीं नहीं अच्छा, नमस्ते नमस्ते। पुलिस को भी खबर कर दे तो कैसा रहेगा। मेरे ख्याल से पुलिस जांच पड़ताल करके इस आदमी का नाम पता निकाल सकती है। पुलिस की मदद चाहते हैं तो मेरे पास क्यों आए हैं। मैंने आज तक पुलिस के साथ काम नहीं किया और करूंगा भी नहीं। आप अपना रुपया ले जाइए। अरे नहीं, नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ आपकी राय जानना चाहता था। आपकी मर्जी नहीं है तो मुझे क्या पड़ी है। चलता हूँ, कल शाम को आऊंगा। कल शाम को जब तुम वापस आ रहे थे एक आदमी तुम्हारा पीछा कर रहा था, मालूम है तुम्हें। नहीं तो क्या, कोई पीछा कर रहा था। हाँ कर रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत की दाद देता हूं, साहसी है, शेर की गुफा में घुसकर चुनौती दे रहा है। लाल बाजार पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर बागची हैं जी, बोमकेश। अच्छा बोमकेश, जाना क्या जरूरी है। रास्ते के कांटे के बारे में इतनी उत्सुकता दिखाने की क्या जरूरत है। इसे तो अच्छा होता कि हम ग्रामोफोन पिन की छानबीन करते। वो भी होगा,
पहले देख तो ले कि मामला क्या है, फिर कल शाम प्रफुल राय भी आने वाले हैं, उन्हें देने लायक कुछ खुराक भी तो होनी चाहिए। लेकिन हम दोनों नहीं जा सकते, चिट्ठी में लिखा है कि कोई साथ नहीं होगा। इसका भी बंदोबस्त मैंने कर लिया है, जल्दी करो बस, वक्त हो रहा है, मैं भी जरा कपड़े बदल कर आता हूँ। ठीक है। मैं आईने में दिख रहा हूँ? हाँ। अच्छा अब देखो, मैं 5 फुट पीछे जाता हूँ, अब नहीं। हाँ बस, किला फतेह। एक और चीज। क्या? कोट उतारो। अरे अब क्या रह गया, सब कुछ तो हो गया। कोट उतारो, बताता हूँ। ये बटन खोलो। क्यों? अरे घबराओ मत, मैं भी पहन रहा हूँ। क्या ये? ये रखो यहाँ पे। अरे बंद करो बटन। ये ऐसे। हाँ। बैंडेज लाओ वहां से, इधर लगाओ। हाँ बांधो इसे। हाथ उठा। चलो जल्दी, 11:50 के पहले पहुंचना है। चिट्ठी ली? नहीं। अच्छा जल्दी करो, किसी भी कागज को लिफाफे के अंदर डाल लो, उसे काम बन जाएगा। फिर मैं रास्ते में बताता हूँ क्या क्या करना है। चिट्ठी हाथ में लेकर चलते रहो। वो आ रहा है, खड़े रहो, मैं तुम्हारे पीछे हूं, घबराना नहीं। मेरे जेब में रस्सी है सर, निकाल के इसके हाथ बांधो। अच्छा मिली? हाँ। बांधो बांधो इसके हाथ। हजरत को नहीं पहचानते? याद सुबह हमारे घर आए थे प्रफुल राय। और भी जानना चाहते हो? यही ग्रामोफोन पिन रहस्य के मेघनाथ हैं। आप मेरे सीने से हट जाइए ब्योमकेश बाबू, यकीन मानिए मैं भागूंगा नहीं। अजीत हाँ? इसके जेबों की तलाशी ले लो, देखो कोई हथियार वगैरह तो नहीं है। अजीत हाँ? साइकिल उठाकर वहां रख दो, घंटी को हाथ मत लगाना, बहुत खतरनाक चीज है। ठीक है। दरअसल आप ही से मुझे डर था, इसीलिए यह जाल बिछाया, सोचा था आप अकेले आएंगे। मुझे अपनी सूझबूझ पर बहुत घमंड था, लेकिन आप तो मुझसे भी ऊंचे कलाकार निकले हैं। आपने मेरा नकाब तोड़कर मुझे नंगा कर दिया, और मैं आपका ही नकाब देखता रहा, असल आदमी को देखा ही नहीं। खैर छोड़िए, प्यास लगी है, पानी पिलाएंगे? यहाँ पानी नहीं है, पुलिस स्टेशन में मिलेगा। अरे पानी नहीं तो पान ही खिला दीजिए, कुछ तो प्यास बुझेगी। शुक्रिया, बाकी जो पान है वो आप खा लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। ये क्या, पुलिस भी आ गई? तो क्या आप मुझे पुलिस के हवाले करेंगे? क्यों, आपको तो 4-5 महीने पहले ही पुलिस के हवाले करना था। इसका मतलब है आप मुझे पकड़वा के रहेंगे है? जरूर। मुकेश बाबू, कभी कभी शाने लोग भी मुंह की खाते हैं, मुझे गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं है। क्या हुआ, मर गया? अरे हुजूर आप खुद आए हैं, लेकिन आने में थोड़ी सी देर कर दी, आप मुझे नहीं पकड़ पाएंगे। वो मुकेश बाबू, आप भी एक पान खा लेते तो बहुत अच्छा हो जाता, इकट्ठे सफर करते। आप जैसे महान भावों को छोड़कर जाने में मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। सर, हथकड़ी की कोई जरूरत नहीं सर, आसामी फरार हो गया, ये आप अपने पास रखिए, सिर्फ मुझे वो
साइकिल की घंटी दे दीजिए। क्या देख रहे हो भाई? इस आदमी के दिमाग की तारीफ करनी पड़ेगी। साइकिल की घंटी से किसी की जान ली जा सकती है, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। ये देखो, ये स्प्रिंग देख रहे हो? हाँ। यही इस बंदूक की बारूद है? क्या फोर्स है स्प्रिंग में? ये छोटा सा छेद है, है? और यहां इसकी नली, यहां से गोली निकलती है। ये घोड़ा खींचने से दोनों काम एक साथ हो जाते हैं, गोली भी निकलती है और घंटी भी बजती है। ये रास्ते का कांटा और ग्रामोफोन पिन का हत्यारा, ये दोनों एक ही हैं, ये कब पता चला? मुझे तो पहले से ही शक था। जब से इश्तिहार निकलना शुरू हुआ तभी से ही हत्याकांड भी शुरू हुए। लेकिन जब हत्यारे की चिट्ठी में साइकिल का जिक्र आया तब मुझे यकीन हो गया कि ये दोनों मामले जुड़े हुए हैं। मैंने आशुतोष बाबू से पूछा, आपकी छाती पर चोट लगते समय आपने कोई आवाजें सुनी? तो उन्होंने गाड़ी और ट्रेन के साथ साथ साइकिल की घंटी की आवाज भी सुनी थी। कितना आसान काम है, आप रास्ते से जा रहे हैं, सामने से एक साइकिल आती है, घंटी बजाकर बाजू से निकल जाती है और आप खत्म। कोई शक भी नहीं करेगा क्योंकि साइकिल चलाने वाले के दोनों हाथ हैंडल पर रहते हैं। लेकिन असली समस्या थी यह पता लगाना कि यह काम कौन कर रहा है, और यहां प्रफुल्ल राय की आश्चर्यजनक अकलमंदी का नमूना मिलता है। जिन लोगों ने रास्ते का कांटा हटाने के लिए उन्हें रुपए दिए थे उन्हें भी नहीं मालूम कि यह शख्स कौन है और खून कैसे करता है। शायद मैं भी उसे पकड़ नहीं पाता अगर वो खुद मुझे परखने यहां नहीं चला आता। कैसे? जिस दिन पहली बार तुम लैंप पोस्ट पकड़कर खड़े थे उसी दिन तुम्हारे तौर तरीके देखकर उसे शक हुआ, फिर भी उसने तुम्हें चिट्ठी पकड़ाई और तुम्हारा पीछा किया। जब तुम इस घर में आए तब उसे यकीन हो गया कि तुम मेरे ही गुप्तचर हो। उसे मालूम था कि आशुतोष बाबू का केस मेरे पास है, इसलिए वो समझ गया कि मुझे बहुत कुछ मालूम है। कोई और आदमी होता तो शायद सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग गया होता, लेकिन प्रफुल्ल राय शेरदिल था, कोई उसे चुनौती दे और वो चुप बैठे। फिर भी ये साबित करना नामुमकिन होता कि रास्ते का कांटा और ग्रामोफोन पिन वाला आदमी एक ही है अगर प्रफुल्ल राय एक गलती न कर बैठता। कौन सी गलती? उस दिन सुबह मैं उसी का इंतजार कर रहा था। मुझे यकीन था कि सब कुछ पक्की तरह से जानने के लिए वो हमारे घर जरूर आएगा, और वो आया भी। इसलिए वो मुझे न्योता देकर गया कि रात 11:50 पर मैं ही जाऊं, क्योंकि पिछली बार तुम्हें भेजकर मैं उसे ठग चुका था। मैंने भी जाने की ठान ली क्योंकि मैं उसे रंगे हाथ पकड़ना चाहता था, और मैंने वही किया।